नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है सीएसएट नेट दिसंबर 2012 पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड वी बी ए एन प्लस वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर आर। इफ ए सेट ई1 कॉमा ई2 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा EN प्लस वन इज ए बेसिस ऑफ V एंड T फ्रॉम V टू V इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइंग T ऑफ EI इज इक्वल टू EI प्लस वन फॉर I इज इक्वल टू 1 टू अप टू N एंड T ऑफ EN प्लस वन इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस ऑफ T इज नॉन 0। सेकेंड ऑप्शन रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन। थर्ड ऑप्शन नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ ऑप्शन टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू टी इंटू टी एन टाइम्स इज 0 में। ये हमारे पास क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दे E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे 1 बाकी सब 0। E2 का मतलब क्या है सेकंड प्लेस पे 1 बाकी सब 0 इस प्रकार से है। और EN प्लस 1 का मतलब क्या है लास्ट प्लेस पे 1। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट और ये क्या है बेसिस में है तो ये सब नॉन जीरो, ये सब नॉन जीरो है क्योंकि बेसिस से उठाए नहीं है। अब इनको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, पहले तो हम मैट्रिक्स को लिख देते हैं। जो मैट्रिक्स ऑफ टी है वो किस फॉर्म में जाएगी, अगर यहां मैं ई ऑफ 1 रखता हूं तो ये E2 में कन्वर्ट होता है, E2 रखता हूं तो ये 3 में कन्वर्ट होता है, E3 रखता हूं तो 4 में कन्वर्ट होता है। तो जब मैं E1 रखूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ टी E2 में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स सेकंड प्लेस पे 1 बाकी सब 0। यहां पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा मीन्स थर्ड प्लेस पे 1 बाकी सब 0। ऐसे ही 3 रखिए फोर्थ प्लेस पे 1 0 0 0 1 0 0 0। और सिमिलरली जब हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 पे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड सो ऑन और यहाँ हो जाएगा 1। और जब मैं n प्लस 1 रखूंगा i के स्थान पे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास है कि T of E N plus 1 ये क्या है 0 तो ये 0 हो जाएगा मींस सारे एलिमेंट 0। तो ये है मैट्रिक्स ऑफ टी। अब इस मैट्रिक्स से ये इंफॉर्मेशन निकालनी, क्या कहता है फर्स्ट ऑप्शन ट्रेस ऑफ टी इज नॉन 0। अब ट्रेस देखें डायग्राम में क्या है सब 0 है तो ट्रेस क्या है 0, ये क्या कहता है ट्रेस ऑफ टी इज नॉन जीरो, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। सेकेंड ऑप्शन की बात करें रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन। अगर मैं इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को और लास्ट रो को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास एक एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास एक सब मैट्रिक्स मिलेगी एन ऑर्डर की जिसका डिटरमिनेंट क्या है 1 है विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका जो रैंक है वो कितना हो जाएगा एन। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है ट्रू। और नलिटी की बात करें ये रैंक नलिटी थ्योरम से आ जाएगी कि रैंक रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। अब डायमेंशन ऑफ बी क्या गिवन है n प्लस 1, ये है n प्लस 1। अब रैंक कितना है n,
n प्लस नलिटी ऑफ p इज इक्वल टू n प्लस, अब n दोनों तरफ से कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा नलिटी इज इक्वल टू 1, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी ट्रू हो जाएगी। बात करें लास्ट ऑप्शन की, लास्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, कि t की पावर n है ये क्या हो जाए इज जीरो मैप, और हमें पता है कोई जीरो मैप होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट को जीरो में भेज देता है, तो अगर ऐसा इसने कर दिया तो प्रत्येक ei के लिए अगर ऐसा हो जाता है हर एक बेसिस के एलिमेंट को अगर ये जीरो में भेज देता है तो ये जीरो मैप हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम मैं e1 को रख लेता हूं और e1 क्या है नॉन जीरो है, तो t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ t t एंड सो ऑन t t t इस प्रकार से है, और इस पे मैंने ऑपरेट कर दिया e1, तो सबसे पहले इस पे ऑपरेट होगा, तो इस पे ऑपरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, जैसे ही मैं इस पे e1 ऑपरेट करता हूं तो e1 को किस पे भेजेगा, ये e2 पे भेज देगा, तो ये इसने इसको e2 पे भेज दिया। अब इस t को इस पे e2 पे ऑपरेट करता हूं, तो ये जब इसको इस पे e2 को ऑपरेट करूंगा तो ये e3 पे भेजेगा, फिर इस पे t ऑपरेट करता हूं तो ये है e4 पे भेजेगा, इस प्रकार से यहां तक आएगा तो ये किस पे भेज देगा इसको e, क्योंकि n है तो n प्लस 1 पे भेजेगा, तो ये हो जाएगा e n प्लस 1। इसने t की पावर n को मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करना चाहिए था कि e की पावर e1 इज इक्वल, अब t की पावर n के ऊपर मैंने e ऑपरेट किया और ये ओवरऑल क्या आ गया e की पावर n प्लस 1, ये नॉन जीरो था और ये भी बेसिस से उठाया है, इसकी लास्ट एंट्री 1 है विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है कि t की पावर n ने e1 को जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसको जीरो पे नहीं भेजा, तो ये क्या है जीरो मैप नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये डिस्कार्ड हो जाए। थैंक्स फॉर